नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत बड़ा जॉब लेके आया हूँ। और आज का जो जॉब है वो टोटली अमेजन से आया हुआ है। और अमेजन आप सभी जानते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के सबसे बड़ा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप कोई भी चीज़ खरीदारी कर सकते हैं। तो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जॉब का ऑफर किया जा रहा है। और ये जो जॉब है, इस जॉब को पाने के लिए आपको कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, कोई भी आपको चार्जेस भी पेमेंट नहीं करना होगा। तो किस तरीके से आपको जॉब मिलेगा और किस तरीके से पर ईयर आपको 3 लाख से भी 3 लाख से भी ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगा, वो सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, मैं जानता हूँ आप सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहले अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं जॉब के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले इस जॉब के जो डेटा है उसके बारे में बात करूँ, तो ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आपको जॉब मिलेगा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो दूसरी बात, अमेजन में आपको जो जो ऑफर किया जा रहा है, अमेजन में ही आपको जॉब मिलेगा। और जो डिजिग्नेशन का नाम है, मतलब आपका जो पोस्ट का नाम होगा, आपका जो डिजिग्नेशन होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जॉब का जो डिटेल्स दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव। तो ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होते हैं कि आप अगर किसी भी जो डिलीवरी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जो डिलीवरी किया जाता है, उस प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उसी का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोडक्ट को शिफ्ट करना। तो इसी तरीके से जॉब के आपको ऑफर किया जा रहा है, और 18 से स्टार्टिंग होगा आपका एज लिमिट, और 38 तक आपको ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर आपको एज लिमिट है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होंगे, आप मेरिट बेसिस, यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका जो मेरिट है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, उसको आपको देखा जाएगा, और छोटा सा एक इंटरव्यू भी हो सकता है। तो सैलरी पैकेज के बारे में बात करूँ तो मैं पहले बोल चुका हूँ, 3 लाख तक आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है इस जॉब को पाने के लिए, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इस जॉब को पा सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लॉजिक बेसिस, कुछ आपको एक मतलब आपको कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12th स्टैंडर्ड, अगर आप ग्रेजुएशन है और भी अच्छा होगा। और उसके साथ सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो है आपका कुछ एक मतलब स्किल, कंप्यूटर स्किल, और वो भी एक्सेल के ऊपर होना चाहिए। देखिए, एक्सेल का मतलब MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, तो इसके ऊपर आपका स्किल होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को पा सकते हैं। अभी कहेंगे सर एक्सेल के ऊपर स्किल हमको कहाँ मिलेगा, मुझे तो उतना ज़्यादा स्किल नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा नया सीरीज कंप्यूटर स्किल का वीडियो जरूर देखिए, यहाँ पे इन डेप्थ एक्सेल के बारे में मैं चर्चा किया हूँ। जो कॉर्पोरेट जगह पे काम करने के लिए जो एक्सेल का जरूरत पड़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जरूरत पड़ते हैं, जिस तरीके से पावर पॉइंट का जरूरत पड़ते हैं, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो प्लीज जाकर उस चीज़ों को जरूर देखिए, उस चीज़ों को ध्यान से देखिए और स्टडी करिए, आपको सब कुछ पता चलेगा इस वेबसाइट मतलब इस वीडियो के माध्यम से। तो इसका जो लास्ट डेट है वो नवंबर से पहले आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए मैं लिंक भी दे चुका हूँ, इस लिंक में जाकर क्लिक करना, कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके ऊपर पोस्ट दिया गया है, और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, कुछ डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको कुछ मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में बातचीत किया गया है, आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट भी चाहिए, और ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका कुछ कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज स्किल आपको अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर स्किल भी अच्छा होना चाहिए, जैसे विंडोज XP, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट, और उसके साथ साथ एक्सेल का भी स्किल होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेलेंट टाइपिंग स्किल भी होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड आपको अच्छा है तो आप जरूर अप्लाई करिए। अगर आप कहेंगे सर टाइपिंग स्किल किस तरीके से सीखा जाता है, अगर मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए बाकी जो डिटेल्स है वो भी आप देख सकते हैं, कुछ आपको सक्सेसफुली कुछ वेबसाइट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको कुछ ईमेल एप्लीकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है। अगर आप कहेंगे सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर आप एक वीडियो बनाकर शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली मैं वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो बेसिकली जो आपका सबसे ज़्यादा स्किल मांगा गया है वो एक्सेल के ऊपर, तो एक्सेल के ऊपर मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ पे जाकर वीडियो देखिए, आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको अप्लाई बटन में क्लिक करना है,
तो जब अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपका अमेजन से पहले से ही कुछ आईडी है तो उसको लॉगिन करिए, नहीं तो आप यहाँ पे आपका गूगल के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं, मतलब आपका जीमेल अकाउंट के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। तो जीमेल के साथ लॉगिन किया उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको फुलफिल करना होगा। यहाँ पे सारे डिटेल्स दिया गया है, आपका क्वालिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे दिया गया है और रिज्यूम वगैरह सब कुछ अपलोड करना होगा। सब कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए, आपको फाइनल सबमिशन हो जाएगा एप्लीकेशन के लिए। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।